बिग बॉस 15 के घर में सदस्य पहले ही हफ्ते से अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस घर में अब तक कई रिश्ते बनते बिगड़ते दिखे। बिग बॉस के घर में होने वाले टास्क दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। हाल ही में बिग बॉस के घर में एक टास्क खेला गया, जहां जंगलवासी डाकू के रूप में और मुख्य घर वाले उनके विरोधी के रूप में नजर आए। इस दौरान घर वालों को बिग बॉस के जंगल में रहने वाले लोगों को घर का मुख्य रास्ता बनाने से रोकना था। इस दौरान बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया था कि वो जंगलवासियों का कोई भी सामान लेकर उनका नाम लेकर बिग बॉस के सामने उसे गेम से बाहर कर सकते हैं। इस दौरान शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट ने मायशा अय्यर के जूते लेकर उन्हें गेम से बाहर करने का प्लान बनाया, जिसके बाद शमिता स्टोर रूम में गई और उन्होंने मायशा के जूते पेंट करके उन्हें नॉमिनेट कर दिया। शमिता शेट्टी टास्क के बाद मायशा अय्यर से बातचीत करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, क्योंकि अगर कोई मेरी चप्पल को हाथ लगाता तो मैं पता नहीं क्या करती। तुम मेरी चप्पल का इस्तेमाल कर सकती हो। जब मायशा ने ये बात प्रतीक से की तो शमिता ने उन्हें कहा कि प्रतीक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मायशा प्रतीक से ये कहते हुए नजर आई कि तुम्हें पता है कि मेरा बाहर कोई भी नहीं है जो मेरे लिए सामान भिजवाए। इसके बाद प्रतीक ने मायशा को गले से लगाया, जिसके बाद जब वो बाहर निकली तो शमिता ने प्रतीक से इस बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए प्रतीक ने कहा, उनके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, जिसे सुनने के बाद शमिता को काफी दुख हुआ। प्रतीक ने जैसे ही शमिता को ये बात बताई, इसे सुनकर शमिता की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी, जिसके बाद प्रतीक ने उन्हें समझाया और कहा कि आपको नहीं पता था। इसके बाद शमिता शेट्टी ने मायशा को बुलाया और उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे इस बारे में पता नहीं था, जिसके बाद शमिता ने मायशा को एक गिफ्ट दिया। शमिता ने माफी मांगने के बाद मायशा को अपनी स्लीपर्स दी। मायशा ने उन्हें लेने से इनकार किया क्योंकि वो बिग बॉस के नियमों के खिलाफ था, लेकिन शमिता ने जबरदस्ती मायशा को अपनी चप्पलें दी और उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें अगर कोई और चप्पल चाहिए तो तुम रख सकती हो।